हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको आपके हिंदी सेकंड व्याकरण का चैप्टर कराएंगे। देखिए सभी स्टूडेंट्स, देखिए जो आपकी बुक है उसका नाम है आनंदी व्याकरण। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके, देखिए सबसे पहले देखिए आपका मिड टर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका मिड टर्म का आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 4 संज्ञा, पेज नंबर है आपका 20। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए तो अब हम आपके चैप्टर 4 संज्ञा की ओर चलते हैं। ये रहा आपका चैप्टर 4 है संज्ञा। और देखिए सबसे पहले मिड टर्म स्टार्ट हो चुका है आपका, मिड टर्म का आपका फर्स्ट चैप्टर होगा आपका फोर्थ चैप्टर संज्ञा, पेज नंबर है आपका 20। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नेम है आपका संज्ञा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा क्या है? संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सोहन मोहन चिंकी तथा वर्णिका ताजमहल देखने आगरा गए। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसकी सुंदरता और बनावट को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। हम सभी ने पार्क में रोटी सब्जी व चाट पकौड़ी खाए, हम बहुत खुश थे। देखिए सबसे पहले देखिए आप जो संज्ञा है, संज्ञा में प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, इमारत वस्तुओं के नाम और भावों के नाम। देखिए प्राणियों के नाम जैसे सोहन मोहन चिंकी वर्णिका, स्थानों के नाम आगरा पार्क देश विदेश, इमारत वस्तुओं के नाम ताजमहल संगमरमर रोटी सब्जी चाट पकोड़े, भावों के नाम जैसे सुंदरता बनावट सुख। ये ऐसी चीज़ है जो कि हम इनको क्या कर सकते हैं, इन भाव कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं। ऊपर दिए गए प्राणी स्थान इमारत वस्तु भाव आदि के कुछ न कुछ नाम है, ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। एक बार हम देखेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भावों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। और जातिवाचक क्या होता है? जैसे शिक्षक, पुस्तक, लड़की, ये क्या सब, ये क्या होते हैं? जाति का बोध कराते हैं। इसमें क्या बोध कराते हैं? इसमें व्यक्ति का बोध कराते हैं। जिसमें जैसे कि व्यक्ति का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, तो ये उसका बोध कराते हैं। ये कहीं का बोध कराते हैं? ये जाति का बोध कराते हैं। जैसे सेना हो गई, सेना क्या है? एक जाति है। सेना हो गई, शिक्षक हो गई, विद्यालय हो गया, ये सब क्या है? जाति हो गई। और जैसे हमारा स्कूल का नाम है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, तो वो क्या हो गया? व्यक्ति वाचक। देखिए थर्ड देखिए भाव, भाववाचक। जैसे कि भाव क्या होता है? जैसे कि खुश होना, खटाई, मिठाई, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक। जैसे कि देखिए खटाई खा के कैसा लगता है, मिठाई खा के कैसा लगता है, और जी खुश रहना कैसा लगता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे भाव हैं। ओके, चलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, गीता। ठीक है, सेकेंड है, ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, इमारत, वस्तुओं का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है आपके जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्द से किसी विशेष जाति अथवा किसी प्राणी या पदार्थ की जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, शिक्षक, छात्र, लड़की, ये सभी शब्द किसी न किसी जाति का बोध कराते हैं।
नेक्स्ट है थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा, किसी प्राणी वस्तु के गुण दोष या भाव दशा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जैसे मित्रता, बचपन, खट्टा, मीठा, ये सभी गुण दशा भाव अवस्था दोष आदि का बोध कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आपके बुक वर्क पे चलते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स को बुक वर्क फिल करना है अपना बहुत अच्छे से और इसको समझना भी है। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति प्राणी अथवा वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा के दो उदाहरण लिखे, जैसे भाई, नेता। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी वस्तु के गुण दोष या भाव दशा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे शिक्षक, मित्रता। संज्ञा के भेदों को लिखकर उनके एक एक उदाहरण लिखिए। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, नंबर एक व्यक्तिवाचक, जैसे गीता, भारत। नंबर दो भाववाचक संज्ञा, भाईचारा, शत्रुता। नंबर तीन जातिवाचक संज्ञा, नेता, मित्र। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के वाक्य बनाइए, जैसे स्कूल हो गया, हमें स्कूल समय पर जाना चाहिए। सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। खुशी, हमें प्रत्येक कार्य खुशी से करना चाहिए। नेक्स्ट है बंदर, पेड़ पर बंदर बैठा है। आगरा, आगरा ताजमहल आगरा में है। जो संज्ञा शब्द हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। देखिए वह बकरी, घूमना, क्या है, बकरी और घूमना। इसमें चांद, किताब भी है, बुढ़ापा। बुढ़ापा देखिए, बुढ़ापा कैसा हुआ है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, वह कुछ नहीं है, वह का कोई शब्द इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसमें, ना व्यक्तिवाचक का, ना स्थानवाचक का और ना ही भाववाचक का। रिक्त स्थान भरिए। सभी छात्र अपने घर चले गए। हाथी नदी में नहा रहे हैं। सरिता खाना खा रही है। तुम्हारे कार्यालय में 5 कमरे हैं। देखिए अब नेक्स्ट है, देखिए आपके कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपको बताना है व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है और भाववाचक कौन सा है। व्यक्तिवाचक कौन सा है, रामायण, श्रीलंका, मीनाक्षी मंदिर। जातिवाचक पेड़ पौधे, स्टेडियम, शिक्षक। और भाववाचक भलाई, गरीबी, सुगंध। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सभी स्टूडेंट्स अपने बुक वर्क को भी अच्छे से फील करेंगे और वीडियो को भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।